ई लर्निंग बोर्ड इंडिया की संविदा शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपने देखा ही होगा। इसमें काफी अच्छा खासा पे आउट है, 30,000, 25,000, 18,000। तो एक बेरोजगार अभ्यर्थी के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो चाहे आप संविदा पे लगाओ, कैसे भी लगाओ, लेकिन एक सर्वाइवल पे आउट के साथ अगर आप लगा रहे हो तो काफी एप्लीकेशन इसमें भरे जाते हैं। और इस वैकेंसी के बारे में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स भी कन्फ्यूजन में थे, तो सारी चीजें थी। तो एजुकेशन रिलेटेड बहुत जो अच्छे अच्छे टेलीग्राम चैनल है उन्होंने भी अपने प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर किया, कई सारे वीडियोज बने हुए थे यूट्यूब पर। तो इसके बाद से फिर मुझे किसी ने 4-5 दिन पहले विज्ञापन शेयर किया, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मुझे वापस किसी ने कॉल करके सीरियसली पूछा कि सर आज लास्ट डेट है, 14-15 तारीख लास्ट डेट है, और इसके बारे में फुल डिटेल दीजिए। तो अगर आपने इस वैकेंसी का फॉर्म भर दिया है तो भी ये वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं भरा है तो भी देख लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए काफी नॉलेज की बात रहने वाली है। क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें होती है आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, आपको इतना खुद को अवेयर रहना है कि आप क्या चीज सही है क्या गलत है, सारी चीजें आप पहचान कर सके। तो आज के इस ई लर्निंग बोर्ड इंडिया की वैकेंसी के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, यहां पर आपने जो जॉब संबंधी अपडेट्स हैं आपको और भी चैनल पर मिल जाती होंगी, या फिर और बहुत सारे चैनल हैं जहां से आपको लगातार अपडेट्स मिलती होगी, लेकिन जो वास्तविक और सही सटीक बात होती है वो हम लगातार शेयर करते हैं। और आप अगर हमसे पहले से जुड़े हुए तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे। तो इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, हर अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। संविदा शिक्षक भर्ती का ये विज्ञापन है केवल राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए, तो मैं आज आपको केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए वाला भी जो नोटिफिकेशन है वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो मैंने पूरा कंप्लीटली अच्छे से इसके डोमेन से लेकर सारी चीज़ें, इसके सोशल मीडिया हैंडल, इसकी वेबसाइट, गूगल मैप एड्रेस, तब सारी चीज़ें मैंने इसकी कंप्लीट सर्च करके ही फिर मैं आपके सामने ये वीडियो बनाकर आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 1 फरवरी 2023 का ये जो है कंप्लीटली नोटिफिकेशन निकाला जाता है ई लर्निंग बोर्ड, जो सभी छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने का दावा करता है। और एक तरीके से मतलब जैसे पहले भी काफ़ी वैकेंसीज आती थी, समर शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान की कभी और वैकेंसी निकलती है, अपने राजस्थान में ये चीज़ें कम होती है, लेकिन जो अदर स्टेट्स है जैसे यूपी वगैरह में एक बार काफ़ी वायरल वैकेंसी हुई थी सर्व शिक्षा अभियान की, जिसमें अमूमन फॉर्म भरवाए जाते हैं और अच्छा खासा पैसा लिया जाता है। इस वैकेंसी की क्या बात है वो भी मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताता हूँ। इस वैकेंसी में ब्रीफली अगर मैं बात करूँ, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। उसके बाद अगर आप इसकी योग्यताओं में देखते हो, 12वीं स्कूल, डीएड, बीएड, डीएलएड, आप एमए किया है, पीजी किया है, तो हो सके तो बीटेक भी ये लिख देते अगर इनका बस चलता तो, क्योंकि इनको क्या अधिकतम फॉर्म अप्लाई करवाने हैं। फॉर्म अप्लाई होगा तो क्या होगा, एग्जाम की फीस आएगी, वो आएगी तो क्या होगा, एक इनकम जनरेट होगी। मैं चाहता तो इनकी वेबसाइट से जाकर सारी चीजें आपको बता सकता, लेकिन वेबसाइट पर जाने से फिर क्या मुझे कॉपीराइट का कुछ संभावना बन रही थी, क्योंकि मैं एक बड़े संस्था के ऐसे इंटरव्यू के जो वीडियोस थे उसका कॉपीराइट अभी तक झेल ही रहा हूँ, क्योंकि 90 दिन वो अभी पूरे नहीं हुए। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये सारी चीज़ें जो मतलब नोटिफिकेशन है जो उसी के थ्रू आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, और जो बाकी बात मैं बताने वाला हूँ उसको आप अगर एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन पर बिलीव करते हैं तो विश्वास कर लीजिएगा, बाकी तो फिर आपकी खुद की इच्छा है वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है। तो ये वैकेंसी जो निकाली गई थी यहाँ पर आपके अच्छा खासा पे आउट था, सारी चीज़ें थी, उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट दिया गया, हैंडलर दिया गया, संस्थापक के यहाँ पर सिग्नेचर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, आप जैसे यहां पर देख पा रहे हैं टीजीटी का, पीआरटी का, संविदा शिक्षक संविदा, तो ये सारी चीजें थी। अब हम बात करते हैं केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए जो वैकेंसी निकली थी 10 सितंबर 2022 और अभी, और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए फिर से फॉर्म चल रहे हैं, मतलब यहां पर हर 6-6 महीने में एक एक मतलब करते रहो, बस वही बात है, कुल मिलाकर कमाने का अच्छा खासा ये तरीका है। और इस जो वैकेंसी है ये ऑलरेडी बिल्कुल ही मतलब मैं क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, फेक है। मैंने इसके गूगल मैप अगर आप जाकर देख लेंगे तो वहाँ पर भी इनका कोई मतलब सीतापुरा का जो एड्रेस दे रखा है वहाँ पर ऐसी कोई बोर्ड नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, इनके जो सिलेबस है, इनके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। अब ऑनलाइन एग्जाम कोई घर बैठे कैसे करवा देगा, इनकी सारी बातें की जाती हैं, चरण की बात की जाती है, बिल्कुल सारी चीज़ें फेक हैं। इनकी जो योग्यता है उसमें भी एक पारदर्शिता है, क्योंकि आप अगर ले रहे हैं तो कम से कम टीईटी पास पात्रता होना चाहिए, बिना पात्रता ले रहे हैं, क्योंकि इनको क्या मतलब है अधिकतम फॉर्म भरने, और अधिकतम फॉर्म आएंगे तो अधिकतम अच्छा खासा पैसा बनेगा, और अच्छा खासा जो ये 300-200 का जो सौदा है अच्छा खासा लाखों में जाकर बैठेगा, और जो बेरोजगार अभ्यर्थियों से एक एक रुपया जो मेहनत का लेकर लूट कर फिर ये कहीं आपको गायब हो जाएंगे, ना ही कोई एग्जाम होने वाला है, ना ही कोई मेरिट आने वाली है। ओवरऑल ये जो आपकी पूरी कंप्लीट फेक है। इनके जो सोशल मीडिया जितने भी हैंडल दे रखे हैं आप वेबसाइट पर जाकर खुद देख लीजिएगा, कंप्लीटली वेबसाइट दे रखी है, तो उनके सारे मतलब कहीं से कोई नहीं दिखेगा, बिल्कुल जो नए नए क्रिएट किए हैं बस आपको मतलब अभी की जो सौदेबाजी करने के लिए इन्होंने क्रिएट करके और इसको कंप्लीटली लॉन्च करके इसको डाल दिया। और कई चैनलों ने भी इसको वीडियो बनाए, संविदा शिक्षक भर्ती है, फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही फेक वैकेंसी। अगर कुछ ऐसा होता है तो न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आते हैं, हमारे काफ़ी चीज़ें होती है, चीज़ें हमें नजर आ जाती है। कुछ अगर वास्तविक में अगर एनजीओ होता है, एजुकेट गर्ल होता है, जैसे अपने राजस्थान में उनकी जो वैकेंसीज निकलती है, आप निकलते वैकेंसीज, उसके बाद उसके कंप्लीट सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एनजीओ की वैकेंसीज की हमने पहले कोई देखी नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ये ओवरऑल बिल्कुल फेक है। इसमें वेबसाइट पर मोदी जी का फोटो लगा दिया, यहाँ पर ये चीज़ें कर ली, वो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से
लिपापोती की गई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हर स्टेट में ये इसी प्रकार से करते रहते हैं, शायद उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इनके अलग अलग नोटिफिकेशन। ये उत्तर प्रदेश का मुझे पुराना नोटिफिकेशन भी मिला था, मैंने इसमें ऐड कर दिया था, आप देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल आज की वीडियो की यही बात है, ये वैकेंसी फेक है, आपको इसके झमेले में नहीं फंसना है। वीडियो को थोड़ा शेयर कर लीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स को पता चले। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर नहीं किया है और यूपी वाले हैं तो अभी करना भी मत, क्योंकि इसमें कोई करने की जरूरत है भी नहीं। बिल्कुल ये फेक है, कोई एग्जाम नहीं होने वाला, कोई मेरिट नहीं आने वाली। आज की अपडेट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। इसी प्रकार की अपडेट में लगातार आपके साथ शेयर करता रहता हूं। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।